सभी का एक और बार फिर से स्वागत है म्यूजिकल ऋषि ऑफिशियल चैनल में। तो मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आ चुका हूं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आज की वीडियो में हम बेंजो का बहुत ही जरूरी लेसन सीखने वाले हैं, चाहे आप बिगिनर्स हो चाहे आप एडवांस हो, ये लेसन सबके लिए जरूरी है, ठीक है। और आपकी बेंजो प्लेइंग में ये काफी इंप्रूवमेंट लाएगा। जब आप, मैं आप बताऊंगा, आप जब इसका रियाज करेंगे तो आपकी बेंजो प्लेइंग भी बहुत इंप्रूव होगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम राइट हैंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कई लोगों का सवाल रहता है कि जब हम इस प्लेक्ट्रम से इस तार को बजाते हैं तो कई लोगों का हाथ फंसता है, कई लोगों के हाथ से प्लेक्ट्रम छूट जाती है, कई लोग बजा नहीं पाते। तो प्रॉब्लम कोई भी हो आपके राइट हैंड की तार की, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। मैं कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जिनसे आपका हाथ राइट हैंड बेटर हो सकता है, आपकी इस प्लेक्ट्रम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको रियाज करना है जैसे मैं बताऊं, ठीक है। और आप सिर्फ वीडियो देखें ना, आप साथ में प्रैक्टिस भी करें तो कुछ फायदा रहेगा, नहीं तो अगर आप सिंपल वीडियो देख लेंगे तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। आप भी अपने इंस्ट्रूमेंट को साथ में रख के प्रैक्टिस करें। तो देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्लेक्ट्रम को बजाना कैसे है। तो बजाने से पहले आपको इसकी ग्रिप पता होना चाहिए, आपको इसको होल्ड कैसे करना, आपको इसको पकड़ना कैसे है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये आप ट्रायंगल शेप का, हालांकि ट्रायंगल नहीं, आप देख सकते हैं ट्रायंगल शेप में है। तो आपको अपने अंगूठे से ऐसे पकड़ना है, मतलब इस तरीके से, ना तो बहुत ज्यादा ऊपर और ना बहुत ज्यादा नीचे, नीचे की तरफ देखिए सेंटर में इधर पर। और आपको पहली और दूसरी फिंगर से इस तरह से होल्ड करना है, देख सकते हैं आप। और आपको ना ज्यादा, बहुत ज्यादा टाइट पकड़ना है ना लूज पकड़ना है, ठीक है, इतना कि आपके हाथ से प्लेक्ट्रम छूटे नहीं। और फिर आपको ये हथेली को इस तरह से आपको हैंड स्टैंड पर रखना है इस जगह पर, देखिए इतना हो गया बराबर। आप भी करें प्रैक्टिस, इस तरह से आपने रख लिया, ठीक है। अब आपको प्लेक्ट्रम को मेन तार से ही बजाना है, आपको बेस तार के अभी छेड़ नहीं करना, आपको सिर्फ मेन तार से प्ले करना है। देखिए आपको सबसे पहले अपने हाथ को ऊपर से नीचे की तरफ लाना है, देखिए से नीचे की तरफ बजाएंगे तो इससे एक बोल निकलता है, उस बोल को बोलते हैं दा दा, देखिए दा, 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 ठीक है। फिर पहली एक्सरसाइज हमारी यही रहेगी कि आपको ऊपर से नीचे की तरफ दा बजाना है, एक्सरसाइज है आपको नीचे से ऊपर की तरफ मारना है, देखिए जब आप नीचे से ऊपर की तरफ मारेंगे डाउन टू अप तो इसमें से एक बोल निकलेगा, उसको बोलेंगे रा। जब हमने अप टू डाउन मारा तो उसमें बजा दा, और जब हम नीचे से ऊपर की तरफ मारेंगे उसमें बजेगा रा, देखिए सॉरी कंप्लीट कर ली। कौन सी? ऊपर से नीचे की तरफ दा। अब दूसरी एक्सरसाइज थी, अब चलते हैं तीसरी एक्सरसाइज की तरफ। तो तीसरी एक्सरसाइज में आपको बजाना है दा फिर रा, अप टू डाउन, डाउन टू अप, दा रा, दोनों को साथ में बजाना। पहले आपको इनकी अलग अलग प्रैक्टिस करनी है, 5 मिनट आपको दा की प्रैक्टिस करनी है ऊपर से नीचे, और दूसरी आपको 5 मिनट नीचे से ऊपर रा की प्रैक्टिस करनी है, और 5 मिनट आपको दा रा की प्रैक्टिस करनी है, दोनों को साथ में बजाना है, देखिए मतलब 15 मिनट आपको डेली, जब आप बेंजो बजाने बैठे, जब आप बजाना शुरू करें तो 15 मिनट कम से कम इस हाथ की एक्सरसाइज करें, ताकि आप जो भी आगे पलटा रियाज करें, अलंकार रियाज करें, कोई सॉन्ग प्ले करें, तो आपके इस हाथ को
कोई ज्यादा प्रॉब्लम ना हो और आपका यहाँ तक चेस चले। तो एक दो दिन में तो नहीं होगा, आपको डेली कम से कम रियाज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैंने आज बताया, आज आपने रियाज कर लिया, फिर 4-5 दिन तक आपने कोई रियाज ही नहीं किया, फिर आप बोलोगे कि कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो इसलिए रियाज तो कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर आप सोचें कि हम एक दो दिन बजा लें तो हम बहुत अच्छे बजाइए बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। डेली आपको रियाज करना पड़ेगा हर दिन, चाहे आप 1 घंटे करें, ठीक है। तो देखिए थर्ड, आप चाहें तो मेट्रोनोम एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, मेट्रोनोम के साथ भी रियाज करते हैं। अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो मैंने लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप मेरी और वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। देखिए धीरे धीरे हम इसकी स्पीड बढ़ाएंगे, जितना ज्यादा आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपका हैंड उतना ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको तेज प्ले करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए एक और समस्या आती है लोगों को, दोनों हाथ का कोऑर्डिनेशन कैसे बनाएं। मतलब अगर क्या होता कई लोगों के साथ, ये बजाते हैं तो ये कहीं भागता है ये वाला हाथ, या यदि ये सही चलता है ये वाला हाथ कहीं भागता है। तो आपको मैं एक अलंकार दे रहा हूँ रियाज करने के लिए, क्या अलंकार, हालांकि मैं उसको सिखा चुका। अगर आपने 1-8 पलटा की वीडियो नहीं देखी, वो मैंने बिगिनर्स के लिए डाली थी, उसमें मैंने 8 अलंकार बताए थे रियाज के लिए, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आई बटन में दे दूंगा। देखिए आपको बजाना है सा से, देखिए दोनों हाथ को कैसे सा, मतलब आपको सा पर मारना है अप टू डाउन और डाउन टू अप। देखिए सा, फिर ठीक है, देखिए सा सा रे रे गा गा मा मा, स्लो रियाज करना है आपको आराम से, फिर पा पा दा दा नी नी सा सा। अब देखिए इसका ब्रो, नी नी दा दा पा पा मा मा दा दा रे रे सा सा। देखिए प्रयास करेंगे तभी आपको असर देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मैंने बताया अलंकार, ठीक है, मैंने बताया अलंकार, आपको सापर 2 बार प्लेक्टर मारनी है दारा। ठीक है, ये आपको अल्टरनेट मारनी है डाउन टू अप, अप टू डाउन, ठीक है, दोनों तरफ। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ट्यूटोरियल्स के लिए, काफी सारे लोग तो चैनल सब्सक्राइब ही नहीं करते, पता नहीं क्यों, सब्सक्राइब करने में पैसा भी नहीं लगता, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें, और ऐसी ही वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।